हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, रिसेंटली अभी एप्पल ने अपनी बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस WWDC में कुछ बहुत ही ज्यादा क्रेजी अनाउंसमेंट्स करे हैं रिगार्डिंग द अपकमिंग सेट ऑफ न्यू macOS फीचर्स, iOS फीचर्स, iPad फीचर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं इफ यू आर इनटू एप्पल इकोसिस्टम एंड एप्पल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक शॉर्ट समरी के पर्सपेक्टिव से कि क्या कुछ नया अपडेट आया है इन द एप्पल WWDC कॉन्फ्रेंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो तुम में से जितने भी लोग एक्चुअल में एप्पल इकोसिस्टम पे काम करते होंगे तो उन्होंने डेफिनेटली एक्सकोड के ऊपर काम किया होगा। एक्सकोड खुद में ऑलरेडी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है, बहुत ही स्विफ्टली चलता है, राइट? लेकिन इस बार एक्सकोड में कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एनहांसमेंट्स ऐड कर दी गई हैं। एंड ऑफकोर्स तुम ऑलरेडी देख रहे होगे कि लास्ट वन ईयर से AI रिलेटेड बहुत सारी डेवलपमेंट आ चुकी है, तो नाउ AI इज इंटीग्रेटेड इन एक्सकोड एज वेल। तो इन सारी इंटीग्रेशन में जो सबसे पहली इंटीग्रेशन है वो है स्विफ्ट असिस्ट की। अब अगर अगेन तुम कोई भी काम कर रहे हो, तुम कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी कर रहे हो एंड यू हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द SDK दैट यू आर इंटीग्रेटिंग विद, या फिर जो भी तुम स्विफ्ट लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई नई चीजें चेक करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली गो टू स्विफ्ट असिस्ट एंड गेट योर आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट जो आया वो है ऑटोमेटिक कोड कंप्लीशन के ऊपर। तो बेस्ड ऑन द न्यू मॉडल्स, द न्यू AI मॉडल्स दैट हैव बीन रिसेंटली रिलीज्ड, एप्पल हैज एक्चुअली इंटीग्रेटेड दिस काइंड ऑफ अ प्रिडिक्टिव कोड कंप्लीशन इन Xcode। तो अब जब आप Xcode में अपना कोड लिख रहे होगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको कोड सजेशंस देगा, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये आपके ऑफलाइन मैक मशीन पे डायरेक्टली चलेगा। तो जो न्यू आई वुड से एप्पल सिलिकन चिप्स है, दे आर प्रीटी मच पावरफुल इनफ टू एक्चुअली हैंडल दिस काइंड ऑफ मशीन लर्निंग रिलेटेड टास्क। सो इन केस अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं भी है तो भी ये कोड कंप्लीशन डायरेक्टली आपके सिस्टम में चल पाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दिस कंप्यूटेशन इज गोइंग टू हैपन लोकली इन योर मशीन एब्सोल्युटली ऑफ। तो यार, तुम लास्ट वन ईयर से ऑलरेडी देख पा रहे होगे कि ChatGPT एज अ टूल बहुत सारी जगह इंटीग्रेट हो चुका है, राइट? तुम्हारे ओवरऑल डेवलपर इकोसिस्टम से लेकर तुम्हारे नॉर्मल डे टू डे टास्क तक ChatGPT हैज बीन ऑल अराउंड। और इसी सेम चीज को अब आईफोन ने भी अपने आप में इंटीग्रेट कर लिया। इन द लेटेस्ट iOS 18 अपडेट यू आर गोइंग टू गेट ChatGPT इंटीग्रेटेड इन योर आईफोन। तो तुम्हें किसी भी तरह की अगर लेट्स से टेक्स्ट समराइजेशन करना है तो तुम वो कर सकते हो। अगर तुमने कहीं पे कोई मीटिंग नोट्स लिए एंड यू वांट टू गेट अ समरी आउट ऑफ इट, इट्स प्रीटी इजी टू डू। अगर तुम्हें कुछ मैसेज के रिकमेंडेशंस चाहिए दैट यू वांट टू सेंड टू समबडी एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर दैट आउट, ऑल ऑफ दिस कैन बी वेरी इजिली डन यूजिंग ChatGPT। और मेनली मुझे लगता है ये जो समराइजेशन वाले टास्क हैं और ये जो रिकमेंडेशन वाले टास्क हैं, ये तुम्हारे डे टू डे लाइफ को बहुत ज्यादा ईजी बना देते हैं। मैं खुद भी आजकल अगर कोई सिंपल सी मेल भेजनी होती है, आई जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट टू द आई वुड से टूल्स लाइक Copilot एंड ChatGPT एंड दे जस्ट राइट द कंप्लीट एंड टू एंड मेल फॉर मी। सो ये तुम्हारे ओवरऑल रेगुलर डे टू डे वर्क फ्लोज, डे टू डे वर्क को बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा। सो iOS 18 के अंदर यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ UI रिलेटेड अपडेट्स एज वेल। नाउ यू कैन टेक्निकली कस्टमाइज योर होम स्क्रीन विद आई वुड से मोर कंट्रोल ऑल टुगेदर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कमिंग आई माई सेल्फ कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ एंड्रॉइड, तो ये सारी चीजें ना थोड़े बहुत एंड्रॉइड में ऑलरेडी अवेलेबल थी। फॉर एग्जाम्पल तुम काइंड ऑफ लाइक अपनी एक कस्टम थीम सेट कर सकते हो अक्रॉस ऑल आइकन्स एज वेल। ये चीज ऑलरेडी एंड्रॉइड में थी बट नाउ इट इज अवेलेबल इन iOS एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम अपने आइकन्स को बहुत ही स्पेसिफिकली और माइन्यूटली अरेंज कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे। ये सारे एनहांसमेंट भी आ चुके हैं। बट एक जो बढ़िया एनहांसमेंट और बढ़िया अपडेट आई है इस बारी वो ये है कि देर आर गोइंग टू बी अ मोर सपोर्ट फॉर अ लॉट ऑफ मोर डिफरेंट टाइप ऑफ इमोजीज, और अब तुम खुद के इमोजीज वगैरह भी बहुत ईजिली बना सकते हो। ऑल ऑफ दिस विल बी इंटीग्रेटेड विद द न्यू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एनहांसमेंट्स इन iOS 18 altogether। तो ना सिर्फ तुम्हारे रेगुलर आईफोन टास्क में बल्कि अगर तुम कुछ सीरीज से रिकमेंडेशंस लेते हो वहां पे भी अब एप्पल ने ChatGPT और AI टूल्स को इंटीग्रेट कर दिया है। तो अब सीरी बहुत ही एफिशिएंटली और स्मार्टली तुम्हारे लिए तुम्हारे रिमाइंडर सेट कर सकती है, तुम्हारे लिए कुछ मीटिंग शेड्यूल कर सकती है, तुम्हें किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, ट्रांसलेशंस कर सकती है। ये सारी की सारी चीजें अब और एक्यूरेसी के साथ और परफॉर्मेंस और आई वुड से और बेटर ऑप्टिमाइजेशंस के साथ सीरी कर पाएगी। मतलब लास्ट कुछ ईयर्स में तुमने ये देखा होगा कि सीरी की जो रिकमेंडेशंस होती थी या सीरी की जो ट्रांसलेशन होती थी वो एट पार, मतलब एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगती थी इफ यू कंपेयर दैट विद अदर गूगल AI टूल्स एज वेल। बट अब ChatGPT के इंटीग्रेशन के बाद आई एम हैविंग अ रियली हाई होप्स विद दिस न्यू एप्पल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम कि ये तुम्हारे डे टू डे टास्क को बहुत ज्यादा इजी बना देगा। एंड इंटीग्रेशन विद सीरी इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग अपडेट टू एक्चुअली लुक आउट फॉर। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस iOS 18 के अपडेट के लिए, आई होप यू आर टू। तो ये तो वो अपडेट्स हो गई जो तुम्हारे आई वुड से एप्पल प्रोडक्ट्स और एप्पल इकोसिस्टम के रिगार्डिंग है। कमिंग बैक कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हारे लिए और कौन सी इंटरेस्टिंग अपडेट्स है टू लुक आउट फॉर, तो काफी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आई हैं स्विफ्ट 6 को लेकर। फॉर एग्जांपल अब स्विफ्ट 6 में कंपाइल टाइम डेटा रेस आई वुड से चेक्स अवेलेबल है। तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कहीं पे तुम्हारे कुछ कंकरेंट डेटा एक्सेस इश्यूज है, ये अब स्विफ्ट
कंपाइल टाइम पे ही चेक कर पाएगी। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर हो जाता है क्योंकि इससे तुम एक्चुअल में तुम्हें रन टाइम पे जाके चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं है। कंपाइल टाइम पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ सजेशंस एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ एरर्स इन केस देयर इज लेट्स से अ कंकरेंट डेटा एक्सेस कमिंग ऑन। और ये सारी चीजें अगर कंपाइल टाइम पे तुम्हें पता लग जाए, यू कैन एक्चुअली मेक योर कोड मच मोर बग फ्री ऑल टुगेदर। इस सब के अलावा स्विफ्ट की जो टेस्टिंग फ्रेमवर्क है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग एनहांसमेंट्स करे गए हैं सो दैट यू कैन राइट योर टेस्ट मोर फ्रीली एंड मोर इजीली। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तुम्हारी एप्पल की गेम किट है उसके ऊपर भी काफी सारे अपडेट्स आए हैं जिसका यूज करके तुम इन केस इफ यू आर मोर इनटू द एप्पल गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम तो वहां पे भी तुम अब थोड़ा और बेटर तरीके से ये सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज को कर सकते हो। आई हैव एक्चुअली सीन की मोस्ट ऑफ द टाइम एप्पल अपने डेवलपर प्रोडक्टिविटी और डेवलपर पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स निकालता है। सो दीज आर सम ऑफ द की points that I actually noted from WWDC. तो गाइस लास्ट ईयर तुम लोगों ने देखा होगा कि एप्पल की अपडेट्स में से जो सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट थी वो थी विजन प्रो के रिगार्डिंग। तुमने बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पर फ्लोट होती हुई देखी होंगी जहां पे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे दैट हाउ दे आर फीलिंग अबाउट विजन प्रो। तो इस साल एक्चुअली विजन प्रो में भी काफी इंटरेस्टिंग अपग्रेड्स आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट विजन प्रो इज नाउ ग्लोबली अवेलेबल। पहले ये बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल नहीं था बट नाउ यू कैन ऑल्सो ट्राई टू एक्सेस व्हाट्स इनसाइड द विजन प्रो। तुम अपने आई गेस एप्पल स्टोर्स पे जाके विजन प्रो का एक्सपीरियंस ले सकते हो। एंड इस सब के अलावा विजन प्रो में एक्चुअल में कुछ अपग्रेड्स भी आए हैं। For example, now you can actually visualize your 2D images into 3D, right? So there are a lot of 3D, enhancements that are available. और अगर developer perspective से बात करो, तो developer perspective से भी इन लोगों ने काफी सारी नई चीजें integrate करी हैं for Vision Pro. For example, there is something called as a tabletop kit, जिस SDK का actual में use करके तुम Vision Pro पे ऐसी apps बना सकते हो, जो flat surface पे actually, work करेंगे. For example, एक chess game, तुम chess game generally एक flat surface पे रखते हो और उसको उसके बाद खेलते हो, right? तो इस तरह की applications को बनाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा 3D मॉडलिंग के पर्सपेक्टिव से इन्होंने काफी ज्यादा एनहांसमेंट्स करे हैं सो दैट यू कैन मेक मोर एप्लीकेशंस दैट आर मोर इनटू द 3D वर्ल्ड। एंड जो भी ऑगमेंटेड रियलिटी स्पेसिफिक इनकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग APIs थी उसमें भी काफी सारी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स करी गई हैं। सो दीज आर सम ऑफ द रियली नाइस अपडेट्स दैट विजन प्रो हैज एक्चुअली गॉट। एंड दैट वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइज। ये वो कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जो मुझे लगा कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम एप्पल इकोसिस्टम में डेवलपमेंट करते हो या फिर एक्चुअली एप्पल रिलेटेड एप्स ही बनाते हो यूजिंग स्विफ्ट एंड Xcode। तो ये सारी वो अपडेट्स थी दैट यू शुड डेफिनेटली नो। इसके बारे में अगर तुम्हें डिटेल में एनालिसिस करना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू गो एंड चेक आउट द डॉक्यूमेंटेशन दैट एप्पल हैज रिसेंटली रिलीज्ड आफ्टर द WWDC। दैट बीइंग सेड, इस पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोज में। टिल देन, take care guys, bye bye, I'm Sanket Singh signing off.